ओम शांति। आज की तारीख है 15/7/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं कौन से, शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। कौन रूहानी पंडा? हमारे प्यारे प्यारे परमपिता शिव बाबा। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं? बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है? उत्तर, बाप जानते हैं कि बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई है। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षणभंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते। ध्यान से सुने युक्ति। बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत बजा है ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। नंबर दो, दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत और सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। वरदान सतगुरु का, मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें वो सहज सफलता को प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ याद रखें, लेकिन कर्म के साथ योग है। माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः ही मिलती है। स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर में अनासक्त व मन मना भव रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम श
शांति।